दोस्तों, ग्रास स्नेक दुनिया के सबसे तेज और खतरनाक शिकारियों में से एक हैं और ये प्रत्येक प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं। भले ही ग्रास स्नेक के पास हथियार के रूप में कोई जहर नहीं होता, लेकिन इसके बदले में इनके पास असीमित धैर्य, गला घोटने की शक्ति और बहुत ही खतरनाक भूख होती है। और इसलिए जब कोई शिकार इनके चंगुल में फंस जाता है तो उसके पास बचने का एक भी मौका नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ग्रास स्नेक से मिलाने वाला हूँ जो बड़ी आसानी से मछली और मेंढक का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इन सांपों के वंश में 5 प्रजातियां होती है जो रंगों में बहुत ही अलग होती है, लेकिन उनकी जीवन शैली बिल्कुल एक जैसी होती है। ये सांप लगभग पूरे यूरोप में फैले हुए हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां एशिया और उत्तरी अफ्रीका में भी पाई जाती है। एक ग्रास स्नेक की औसत लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है, लेकिन कभी कभार ये 2 मीटर की लंबाई तक भी पाए जाते हैं। इन सांपों का निवास स्थान कई जगह पर होता है। वैसे ज़्यादातर ये विभिन्न जलाशयों के किनारे, घास के मैदानों में और उच्च आर्द्रता वाले दूसरे स्थानों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इन जगहों पर इन सांपों का पसंदीदा शिकार रहता है। इस प्रजाति के सांप बहुत ही तेज और फुर्तीले होते हैं, जिसके कारण ये बड़ी आसानी से किसी भी तरह की बाधाओं को पार कर जाते हैं और बड़ी आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और बड़ी आसानी से पानी में भी तैर लेते हैं। ये पानी वाले सांपों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय पानी में बिताते हैं। ये ना सिर्फ पानी में आसानी से तैर सकते हैं, बल्कि अच्छे से मछली को पकड़ने की भी प्रैक्टिस करते हैं। ये सांप पानी की गहराई तक गोता लगा सकते हैं और 10 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं, जो एक अच्छी जगह चुनने, छिपने और एक बेखबर मछली का इंतज़ार करने के लिए काफ़ी है। गोभी प्रजाति की ये मछली खास तौर पर निचले स्थान पर निवास करती है और यही इन सांपों के पसंदीदा शिकार बनते हैं। इसका छलावरण रंग इसे जलाशय के तल पर पूरी तरह से छुपा देता है और इसीलिए बिजली की तेज़ी से हमला करने वाला ये शिकारी अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। जो छोटी मछलियाँ होती है वो मौके पर ही खा ली जाती है, लेकिन जो बड़ी मछलियाँ होती है उसे ये सांप तुरंत ज़मीन पर ला लेते हैं, क्योंकि उनके पास हथियार के रूप में कोई जहर नहीं होता और इसीलिए एक बड़े शिकार से निपटना इनके लिए आसान नहीं होता। पकड़ी गई मछली सक्रिय रूप से छूटने का प्रयास करती है, लेकिन शिकारी के पास इतना समय होता है कि वो तब तक इंतज़ार करता है जब तक ये मछली अपनी आखिरी ताकत खत्म न कर दे, जिसके बाद वो उसे खाना शुरू करता है। छोटी मछली आसानी से इनके मुंह में आ जाती है और उनके दांत इनके शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं, जिसके कारण ये बड़ी आसानी से अपने शिकार को निगल लेते हैं। ये शिकारी अक्सर मछली को सिर से ही खाना शुरू करता है ताकि उसके तेज पंखों से उसे कोई चोट ना लगे। ये प्रक्रिया भले ही बहुत लंबी होती है, लेकिन इसके बाद इन्हें कई दिनों या हफ्तों तक भोजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि सबसे छोटे मुंह की भी एक सीमा होती है, क्योंकि कभी कभार पकड़ी गई मछली इतनी बड़ी होती है कि वो मुंह में समा ही नहीं पाती। इस शिकारी को अपने कीमती भोजन को छोड़ने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन इसकी सभी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं, जिसके कारण इस भूखे शिकारी को भी तेज भूख लगने के बावजूद अपने शिकार को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन सांपों को मछली खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके आहार में मेंढक जैसे जीव भी शामिल होते हैं। एक सुरक्षित दूरी से शिकारी शिकार की स्थिति की जांच करता है और उसे पता चले बिना धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है। ये मेंढक बहुत ही मजबूत और फुर्तीले होते हैं, लेकिन एक खतरनाक सांप के जाल से बचना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए इस मेंढक के लाख कोशिशों के बावजूद ये सांपों के चंगुल से नहीं बच पाते। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सांप इन मेंढकों को सिर से नहीं बल्कि पैरों से निगलना शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेंढक खतरा महसूस होने पर अपने शरीर में हवा भरकर खुद को फुला लेता है ताकि अपने आप को बड़ा दिखा सके। और इनका ये कारनामा ना सिर्फ इनके दुश्मनों को डराता है बल्कि सांप के होने वाले कार्य को भी कठिन बनाता है, और इसलिए ये भूखा शिकारी इस मेंढक को पीछे से निगलना शुरू करता है ताकि उसके शरीर में मौजूद हवा उसके मुंह के द्वारा निकल जाए और बड़ी आसानी से ये अपने शिकार को निगल सके। जो मेंढक होते हैं वो सांपों के लिए आसान शिकार नहीं होते क्योंकि इसके प्रभावशाली आकार के अलावा इनमें विशेष ग्रंथियां होती है जो खतरे के समय शरीर से जहरीला पदार्थ छोड़ती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये उपाय इस सांप के लिए खतरनाक नहीं है जो धीरे धीरे इसे निगलता जा रहा है। इन मेंढक और मछली के अलावा इन सांपों के आहार में छोटे छिपकली, कीड़े, पक्षी और उनके अंडे भी शामिल होते हैं। खतरे के मामले में ये सबसे पहले कई युक्तियों का पालन करता है और हमेशा छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जब आसपास कोई शांत जगह नहीं होती तो ये सांप अच्छी तरह से अपनी आक्रामकता दिखा देता है, जिसके लिए ये खतरनाक रूप से फुफकारता है और बड़ा दिखने की कोशिश करता है। इसके साथ ही ये एक गंध के रूप में तरल पदार्थ उत्सर्जित करता है और यहाँ तक कि हमला भी कर सकता है, और ऐसे गंभीर स्थिति में इस सांप के पास जाने की शायद ही कोई हिम्मत करेगा। और अगर इसका ये प्लान काम नहीं करता तो इसके पास एक आखिरी रास्ता बचता है जिसमें ये मरे होने का नाटक करता है, जिसके लिए ये अपनी मांसपेशियों को पूरी तरह से आराम दे देता है और ज़्यादा समझाने के लिए एक बुरी गंध के साथ अपना मुंह खोल देता है, जिसके कारण सामने वाला प्राणी उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। और जब इसका दुश्मन वहां से चला जाता है तो ये तुरंत जिंदा होकर जल्दी से जल्दी उस खतरे वाले इलाके को छोड़ देता है। बहुत बड़े आकार और जहर की कमी को देखते हुए सांपों की प्रजाति के भी कई दुश्मन हैं, जिसमें शिकारी पक्षी, कुछ स्तनधारी जीव, साथ ही कुछ दूसरी प्रजाति के सांप भी शामिल हैं जो अपना पेट भरने के लिए इन सांपों का शिकार करते हैं। इसके अलावा ये सांप अक्सर उन जीवों से पीड़ित होते हैं जिसे ये अनजाने में जहरीला समझकर खुद को खतरे में डाल लेते हैं, और जैसे ही शरद ऋतु का मौसम आता है तो ये सांप तेज़ी से खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं जो क्षेत्र के आधार पर 8 महीने तक हो सकता है। आपको बता दूं कि अगर ये सांप कैद में है तो उसका जीवन काल 20 वर्षों का होता है, लेकिन प्राकृतिक परिस्थितियों के मुकाबले ये आंकड़ा कई गुना कम है। अगर सामान्य तौर पर कहा जाए तो इन सांपों ने पारिस्थितिक तंत्र में इस जगह पर मजबूती से कब्जा कर लिया है, ज़्यादातर घास वाले इलाकों में जहाँ के ये पक्के निवासी हैं। लेकिन इनके प्राकृतिक निवास के विनाश के कारण इनकी प्रजाति खतरे की ओर पहुंच रही है, जो सबसे बुरी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।